बैटिंग चालू हो जाएगा, समझो ना। नमस्ते आदाब सत श्री अकाल, की हाल चाल, स्वागत है आप सबको मेरे YouTube चैनल पे फिट बाइकर और इंदौर। तो अभी भी लॉकडाउन चल रहा है वेस्ट बंगाल के, क्योंकि आप सबको पता है 15 तारीख तक है, लेकिन आज बहुत दिनों बाद 20-25 दिन बाद मैं बाहर निकलने वाला हूँ। तो चलिए अभी जाते हैं बाहर, मोटो ब्लॉगिंग सेटअप लगाते हैं, उसके बाद बात करते हैं। बारिश की बूंदे और जमे हुए पानी, ये होता है बारिश के बाद वाला सीन, पता है। तो फिलहाल हम आ चुके हैं अपने बाइक पे। तो भाई बात कुछ ऐसा है कि अपना नया चैनल है, आप सबको पता ही होगा, तो इसलिए मेरे को नहीं पता कि साउंड वगैरह कैसा आ रहा है। ठीक है, अपन कोशिश किए ये सेटअप तैयार करने का, अगर ठीक आ रहा होगा आवाज़ तो प्लीज़ कमेंट करके बता देना, और कैसे अपन इम्प्रूव कर सकते हैं वो भी बता देना, ठीक है। और ये वीडियो अगर किसी कारण से आपको अच्छा लगता है तो लाइक करना मत भूलना, शेयर करना, और ज़रूर से अपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ओए होए, सामने लगा हुआ है एक छोटा सा मिनी ट्रैफिक जाम। वैसे आज का प्लान अपन बता रहा है वो क्या है ना, कि आज हम लोग जा रहे हैं थोड़ा न्यू टाउन, क्योंकि 20-25 दिन हो गए अपन घर से बाहर नहीं निकले हैं, और इसलिए आज सोचे कि चलो निकलते हैं और मोटो व्लॉगिंग भी थोड़ा कर लेते हैं चैनल की शुरुआत। और तभी पीछे से आवाज़ आता है मम्मी पापा के कि हम भी जाएंगे। तो फिर हम सोचे कि ठीक है चलो फैमिली मिलके जाते हैं, सब लोग थोड़ा चिल कर लेंगे, इसलिए सामने स्कूटी पर जा रहे हैं अपने माता पिता, और अपने पीछे बैठी है अपनी बहन। हाय जैम, हाय जैम। ये देखो यहाँ पे हो चल रहा है देसी चिनप। कितने दिनों बाद बाहर निकले भाई, इतनी खुशी इतनी खुशी मुझे आज तक। वैसे वेदर भी बहुत बढ़िया हो चुका है ना, अभी बारिश का मौसम है, ठीक है, मानसून का वक्त है। हाँ पर अपने को अभी बारिश नहीं चाहिए भाई, अपने को अभी बारिश नहीं चाहिए, अपन चाहता है कि ऐसा ही वेदर हो, थोड़ा हवा चले ठंडा ठंडा, और धूप ना निकले और बारिश ना हो, बस बस यही गुजारिश, यही गुजारिश। अगर ऊपर वाले ने सुन लिया आज ना तो मजे ही आ जाए। ये सब भगाने का मजा ही कुछ अलग है, बहुत ही ज्यादा अलग, ठीक है ना। और जब खाली रास्ता मिलेगा तो आपका भाई टानेगा, क्या करेगा आपका भाई टानेगा वीडियो। वैसे भाई अभी भी अपन बहुत लोग को देख रहे हैं जो लोग मास्क नहीं पहन रहे हो, क्यों कर रहे हो ऐसा, काहे पंगा ले रहे हो कोरोना से, कोरोना जी से पंगा मत लिया करो, मास्क पहनो, क्योंकि अभी बहुत ही अनस्टेबल स्टेट पे आ रहा है हम लोग का कंट्री, बहुत जगह पे कोरोना के केसेस बहुत कम हुए हैं, भगवान करे कि और ज़्यादा कम हो जाए, ठीक है, और ज़्यादा कम हो जाए, जल्दी जल्दी ये कोरोना हम सबको छोड़ के चला जाए, ताकि एक नॉर्मल ज़िंदगी मास्क के बिना फिर से शुरू किया जा सके जैसे पहले होता था, क्या समझे। इसलिए मास्क पहनो। ओके। पता है अभी बहुत सारा गाइडलाइंस लगा हुआ है, क्योंकि ज़्यादा लेट अगर करेंगे तो वहाँ पे देख रहे हो हैं बैटिंग चालू हो जाएगा, समझे ना।
चलो थोड़ा भगाए, आए चलो भगाते हैं। कैसा लगा आप लोगों को बताओ कमेंट करके जरूर। ए काका, वैसे नहीं दोस्तों, सच में यार इतने दिनों बाद बाहर निकल के बहुत ही मजा आ रहा है यार। देखो ये हवा, आय हाय 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 हाय, ये हवा, ये वेदर। उफ, 20-25 दिनों के बाद निकले हैं घर से बाहर, पता है आपको, 20-25 दिनों से के बाद, 20-25 दिनों से अपन घर पे बंदी है, क्या करे कोरोना। ये कोरोना के वजह से यही हाल होता है। यहाँ पे चल रहा है काम, इसलिए ये वाला रास्ता बंद होके ये सर्विस रोड चालू है। पता नहीं यहाँ पे क्या होगा, शायद मेट्रो का काम चल रहा है, नहीं फिर भी ये रास्ता अगर ज़्यादा चौड़ा होगा तो मज़ा आएगा, है ना। वैसे अगर आप लोगों को नहीं पता है, क्योंकि जो लोग मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते उन लोग को नहीं पता होगा कि इसका नाम क्वीन है, तो इसलिए जो लोग मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते हो वो मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, ये इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लो, जुड़े रहेंगे, बहुत सारे बातें करेंगे यार। क्या कर रहे हो कोरोना के टाइम पे, आ जाओ इंस्टाग्राम पे बातें करेंगे, तो फॉलो कर लेना, स्क्रीन के ऊपर आ रहा होगा अपना आईडी, फिट बाई कर नाम, सेम नाम से अकाउंट है, जल्दी से जल्दी जाओ और फॉलो कर लो अपने भाई को। वैसे पता है ना यार, एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना लाइफ में ना, हमेशा अपना पैशन को है ना वो फॉलो करना। जैसे मेरे को देखो भाई, अपन बहुत उलझे कि अपन को ये करना चाहिए वो करना चाहिए, ठीक है, जो लोग पहले से मेरे साथ जुड़े हैं उनको पता होगा, लेकिन फिर अपन ने ढूंढा टाइम लेके कि अपन को पसंद क्या है भाई, फिर अपन को अपन के दिमाग से निकला कि आए बिड़ू अपन तो बाइक को बहुत पसंद करते हैं बचपन से, तो इसी पैशन को कंटिन्यू करते हैं, और फिर आया अपन मोटो व्लॉगिंग पे। कितना ग्रीनरी है ना यार इधर, इधर आके बहुत दिल को सुकून मिलता है, बहुत यहाँ आके दिल को बहुत ठंडक मिलता है यार, कितना ग्रीनरी है। और ये सुबह सुबह जॉगिंग, वाव मजा आ गया। कितने लोग हैं देखो भाई, मास्क पहन लिया करो भाई, मास्क पहन लिया करो भाई, क्या भाई काहे आप लोग मास्क नहीं पहनते हो। और ये चल रहा है क्रिकेट, अपन भी एक टाइम पे ऐसे बहुत खेलते थे दोस्त लोग के साथ, लेकिन फिर क्या हुआ ना, नहीं दोस्त लोग नहीं बिछड़े, जो ग्राउंड पे हम लोग खेलते थे ना उसको कुछ और ही बनाया दिया गया, कि वहाँ पे अलाउ नहीं करते थे कि कोई भी आके खेले, इसीलिए। वैसे अभी अपन को पता नहीं है कि अपना व्लॉग मतलब कितना फ्रीक्वेंट आएगा, क्योंकि देखो पहले तो मॉनसून का सीज़न है, ऊपर से चल रहा है लॉकडाउन, और अगर लॉकडाउन एक्सटेंड ना हो और वेदर अच्छा हो तो अपन का व्लॉग बहुत ही फ्रीक्वेंटली आएगा, मतलब हफ्ते में 3 व्लॉग तो ज़रूर आएगा। लेकिन अगर लॉकडाउन हो गया एक्सटेंड या फिर हो चुका हुआ बहुत ज़्यादा बारिश, तो अपन को पता नहीं है। ओह हो, क्या यह बंद है, क्या ये बंद है, देखते हैं चचक क्या बात कर। शायद अपन लोग का प्लान जो था कि इधर आएंगे मस्ती करेंगे और फोटो शोटो खींचेंगे,
वो शायद अभी बंद होने को आया है। लगता है कि अपना प्लान पूरा चौपट हो चुका है, क्योंकि इधर बता रहे हैं कि ये अभी बंद है, पर ऐसा नहीं होता था। पता है ये वाला जगह तो जाना, यहाँ पे बहुत ही कम क्राउडेड लोग, मतलब बहुत ही कम क्राउडेड होता है, ठीक है, मतलब लोग बहुत ही कम आते हैं, क्योंकि आप बहुत, मतलब कोई जॉगिंग करने आया या फ़ोटो खींचने आया वही सब आता है, ठीक है, तो इसलिए पता नहीं क्यों ये लोग बंद करके रखा है यार। और इतना बड़ा जगह है, ज़्यादा क्राउडिंग्स भी तो नहीं होगा ना, तो फिर भी पता नहीं, लगता है अपना आज किस्मत पे वो जगह और वो अच्छे अच्छे फोटोग्राफ्स नहीं है। और ये बकरी, और ये बकरी, गाय, ग्रीनरी, वाओ। वैसे किस किस को ऐसा टाइप्स ऑफ जगह पसंद है कमेंट पे आप लोग ज़रूर लिखना, ठीक है, मेरे को बताना। वैसे आपका भाई कितना कुछ कमेंट करने के लिए बोल रहा है यार, करो करो यार, अपने भाई को सपोर्ट करो, जो मनना चाहे वो कमेंट करो, बताओ अपने को कैसे अपन और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है, अपन कोशिश करेगा, धीरे धीरे सब आ जाएगा। और ये भाई हिंदी में भी यूज होने में थोड़ा टाइम लगेगा। हाँ, तो वो जो सिक्योरिटी गार्ड वाला अंकल था ना, तो उन्होंने कहा कि अभी सुबह को वो लोग बंद रख रहे हैं और शाम को वो लोग खोल रहे हैं 5 से 8। तो हम लोग तो अभी आ गए भाई, हमको तो पता नहीं था, क्योंकि तो हम लोग को पता था कि वो जगह खुला हुआ रहेगा, अभी वो जगह बंद हो चुका है, तो अपन क्या करें बताओ। वैसे ये जगह पे भी अलग मौज है भाई, फुटबॉल उधर पे देखे आप लोग, हम लोग क्रिकेट और यहाँ पे फुटबॉल, वाव वाव। पता नहीं आप लोगों का कैमरा पे आ रहा होगा, मतलब आप लोग देख पा रहे होगे, नहीं कैमरा पे आ रहा होगा, नहीं, ये हनुमान जी देख रहे हैं क्या बजरंगबली को? जय बजरंगबली, तोड़ दे दुश्मन की गली। अभी कहा जा सकते हैं, हम देखते हैं भाई, क्योंकि अपने को तो फोटो क्लिक करना ही चाहिए, करना ही चाहिए। देखते हैं कहाँ पे जाके हम लोग फोटो खींच पाते हैं। हे गाइस, तो यहाँ पे थोड़ा रुके हुए थे, ठीक है, क्योंकि फ़ोटो खींचना था, क्योंकि वहाँ पे तो हम लोग को एंट्री मिला नहीं, क्योंकि वो 5 बजे से खुलता है और हम लोग सुबह आए थे 5 बजे, मतलब शाम को 5 बजे से, इसलिए यहाँ पे आए, थोड़ा फ़ोटो खींचे और थोड़ा रील्स भी बनाए हैं। तो इसलिए आप, मैं अपने भाई को जल्दी से जल्दी जाओ और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, क्योंकि वहाँ पे सब देखने को मिल जाएगा। और अभी भी इधर थोड़ा शूट बाकी है, क्योंकि बहन भी आई हुई है, इसलिए उसको भी फ़ोटो खींच के दे रहे हैं मेरे पापा, उसके बाद यहाँ से फिर हम लोग निकलेंगे, ठीक है। तो गाइज, अभी यहाँ पर ही मेरी मम्मी स्कूटी चला रही थी, तो इससे उन्होंने पूछा कि आओ थोड़ा पीछे बैठो, क्योंकि मुझे भी थोड़ा हिम्मत मिलेगा फिर, इसलिए मतलब मैं पीछे बैठ चुका हूँ और मम्मी चला रही है। तो अभी आपका भाई कर रहा है मम्मी के पीछे बैठ के मोटो व्लॉगिंग। तो जैसे तैसे कैसे आज का दिन अभी ख़त्म, अभी जा रहे हैं वापस घर के तरफ हम लोग। आप लोग भी थोड़ा मेरे साथ जुड़े रहिए, और ये खूबसूरत वेदर और ये लॉकडाउन में खाली सड़कों को एंजॉय कीजिए। हाँ, मतलब उतना खाली नहीं है, पर फिर भी नॉर्मल डे से यहाँ पे जो भीड़ होता है उससे बहुत ही खाली है।
कभी कभी भगाना भी अच्छा लगता है क्यों? वैसे ये सब रास्ता पे ज़्यादा हम लोग भगा नहीं सकते क्योंकि बहुत ही जैम रहता है, लेकिन अभी लॉकडाउन की वजह से ये इतना खाली रहता है ना कि मतलब बहुत ही अच्छा लगता है फिर ऐसे भगाने के लिए। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर मेकिंग मी अ पार्ट ऑफ योर डे, आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट ब्लॉग, टिल देन हम है राही प्यार के, फिर मिलेंगे चलते चलते। चलो टड़ा।